नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जिला शामली के वेदखेड़ी नगर में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया है विशाल रूप में। आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी दूर से संत रामपाल जी महाराज की संगत लाइन से आ रही है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि पीछे एक बार जरूर दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक नियम का पालन करते हुए किस तरीके से रस्सी की व्यवस्था की गई है, ताकि रोड में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो जाए, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लाइन से चल रहे हैं। ये आश्रम का मुख्य द्वार है, अभी हम इस मुख्य द्वार के अंदर चलेंगे। तो अभी जो है हम वो मुख्य द्वार के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनकी तादाद शायद आज यहाँ पे लाखों में होगी, गिनना तो मुश्किल है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे अभी हम पहुँच चुके हैं जूता घर में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो लाखों शिष्य आ रहे हैं उनके लिए सुविधा के लिए यहाँ पे क्या है, जूते की व्यवस्था की गई है। जैसे कि मंदिर या मस्जिद या किसी अन्य धर्मशाला में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जूते मंदिर के या तो बाहर उतारे जाते हैं या किसी भी तरीके से व्यवस्था की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो झोले हैं उन झोले के अंदर जो भी भगत आते हैं उनके जूते और चप्पल यहाँ पे रखी गई है। हम अभी पहुँच चुके हैं पुस्तकालय में। आपने 10 रुपए? 10 रुपए, ये तो हैरानी की बात है, इतनी महंगाई में आप ये 10 रुपए की बता रहे हो? जी, गुरु जी की तरफ से ये किताबें प्रोवाइड की जा रही हैं और वास्तव में इतनी 10 रुपए में तो आजकल रफ भी नहीं आता है जो कि संत रामपाल जी महाराज इसको दे रहे हैं। देने का उद्देश्य ये है कि सभी लोग, हमारे देश के लोग, सभी व्यक्ति इस ज्ञान से परिचित हों कि हमारे परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही हैं। यहाँ पे आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य में वो यूं दिखने को मिल रहा है कि गर्मी तो बहुत है, जून का महीना है, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य की जो संख्या है वो बढ़ रही है, घट नहीं रही है। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं किस प्रकार से उन्होंने सुविधा यहाँ पे कर रखी है, और सही मायने में देखा जाए कि इतनी भीड़ में इतनी अच्छी जो व्यवस्था अगर करनी है तो वो एक चैलेंज होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने वो चैलेंज को पूर्ण किया है और यहाँ पे वो व्यवस्था करके दिखाई है। तो दोस्तों अभी जो हम मौजूद हैं ये मेन पंडाल में हम आ गए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने अपने गुरु जी का सत्संग जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से चला रखा है। आप देख रहे होंगे एक तरफ प्रोजेक्टर जेंट्स की तरफ है और एक लेडीज की तरफ है, और यहाँ जो व्यवस्था है वो सेपरेट है। जेंट्स अलग बैठे हुए हैं, लेडीजें अलग है। ये बहुत ही खूब व्यवस्था है जिसमें किसी भी बहन या माता को या भाई को किसी भी प्रकार का असुविधा ना हो। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों कि आस्था आपको देखने को मिल रही होगी किस तरीके से यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों से लेकर के अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे एक भाई साहब खड़े हैं, इनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, ये जो कबीर प्रकट दिवस है ये क्यों मनाया जाता है और क्या जो कारण है जो इतनी दूर से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं। तो भाई साहब नमस्कार। महाशय साहब जी, ये जो आयोजन है ये क्या है और क्यों है, इतनी संगत जो आई है और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे पूर्ण ब्रह्म कबीर देव साहब का आज जो है अवतरण हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में यह आज प्रोग्राम किया जा रहा है और यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी भगत और भगतमती आए हुए हैं। तो यहाँ पे अखंड पाठ का आयोजन किया गया है और यहाँ पे और भी बिना दहेज की शादियाँ भी होनी है, और यहाँ पे जितने भी आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ के जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जितने भी हम लोग हैं, कोई भी नशा नहीं करते हैं, कोई भी दहेज लेन देन नहीं करते हैं, कोई भी प्रकार की बुराइयों को हाथ भी नहीं लगाते हैं। खाने तो बात छोड़ो, नशा जैसी बीमारी है, खाने तो बात छोड़ो, उनको हाथ भी नहीं लगाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज आज
पूरे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष कराने के लिए ये प्रक्रिया चल रही है। और संत रामपाल जी महाराज आज के हिसाब से, आज भविष्यवाणियों के अनुसार पूर्ण ब्रह्म पूर्ण गुरु हैं और तत्वदर्शी संत हैं, और इन्हीं से सारा संसार नाम लेकर पूरा विश्व अपना कल्याण कराएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि किस तरह जो भगत लोग हैं, जो जेंट्स हैं, उनकी व्यवस्था अभी हमने देखी है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो माइयाँ हैं, माइयों की भी व्यवस्था चल रही है, लेडीजों की भी व्यवस्था सेम जिस तरीके से जेंट्स की तरफ चल रही है उसी तरीके से लेडीजों की तरफ चल रही है। तो अभी क्या है, यहाँ पे कुछ सेवादार यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं इनकी क्या व्यवस्था है और किस तरीके से ये सेवा को पूर्णता कर रहे हैं। नमस्कार बहन जी। आप जी का नाम? मेरा नाम संगीता दासी, लालगंज यूपी से। लालगंज, ये लालगंज से शामली ये दूरी कितनी होगी? बगा जी 24 घंटे लगे आने जाने में। 24 घंटे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो 24 घंटे का सफ़र तय करके इतनी गर्मी में आज आप यहाँ पे विशाल भंडारे में आए हो, तो इसकी ज़रा खूबी बताएं और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था होने वाली है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं जी। जी मगर जी, यहाँ पर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर आज विशाल भंडारा प्रकट दिवस है जो मनाया जा रहा है, ताकि दूर दूर के भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, जिसे परमात्मा के जो नियम हैं, जो मर्यादा हैं, वो सारे भक्त मिलकर मना रहे हैं। जैसे आज यहाँ पर रक्तदान की व्यवस्था की जा रही है, और दहेज मुक्त विवाह जो है उसकी भी व्यवस्था की जा रही है, और यहाँ पर अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं भगत जी, बिल्कुल निःशुल्क। तो अभी जिस स्थान में हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे जो जल राम की भी व्यवस्था है, यानी कि पानी की जो व्यवस्था है यहाँ पे लगा रखी है, इसी के साथ साथ इस बगल स्थान में यहाँ पे चाय का आयोजन किया गया है। आप देख सकते होंगे किस तरीके से बरखूबी यहाँ पे चाय की व्यवस्था की गई है। इधर चलते हैं, हमारा जो लास्ट पंडाल है वहाँ पे भंडारे का आयोजन, यानी भंडारा का जो बनने का कार्य होता है वो वहाँ पे किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी जो हम मौजूद हैं, ये तीसरा पंडाल है, ये भंडारे का स्थल यहाँ पे बनाया गया है, और ये स्थल अगर देखा जाए तो सही मायने में बहुत ही बड़ा है। ये वाटर प्रूफ है, इसमें ताकि बरसात भी अगर हो जाती है तो किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो जाए, उसके लिए ये वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया। आप देख रहे होंगे इस तरफ आलू छिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलू यहाँ पे कट रहे हैं। तो एक जो पाइपलाइन होती है सारी व्यवस्था की, वो पूर्णतः निर्धारित यहाँ पे कर रखी है। बड़ी कढ़ैया है, उस कढ़ैया में जो भंडारे की व्यवस्था है वो की जा रही है। आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी कढ़ैया है, और इसमें जो है सब्जी बन रही है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे बड़ी से बड़ी लगातार यहाँ पे कढ़ाई में भंडारा तैयार हो रहा है। आप ये देख रहे होंगे, शायद ये क्या है, दाल है या सब्जी? सब्जी है, आलू टमाटर की सब्जी है। भंडारे में आलू टमाटर की सब्जी का भी आयोजन हो रहा है, यानी 1, 2, 3। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एक और बड़ी सी कढ़ाई है उसमें भी कुछ शायद खिचड़ी बन रही है। तो ये बहुत ही अच्छी सेवा लगी हुई है, यहाँ पे सारे सेवादार लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से सेवादार अपनी सेवा को कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अभी क्या है, ये देखिए कढ़ाई में चावल राम इसमें बन रहा है। तो इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो बूंदी है, बूंदी की व्यवस्था की गई है, और सही मानने में देखा जाए तो बूंदी का यहाँ पे पहाड़ लगा हुआ है। जो बूंदी की व्यवस्था है वो आप देख रहे होंगे, कितनी बड़ी और चौड़ी जो टेबल है, उस टेबल में बूंदी का जो पहाड़ है वो लग चुका है। इस तरफ भी बूंदी का आपने देख रखा होगा व्यवस्था की गई है, साथ में दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी बूंदी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और भक्तों का कहना है ये जो बूंदी है ये प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है।